हम गृहिणियों का क्या होता है ना, सबसे ज़्यादा हमें अपने जो हमारा घर है उससे प्यार होता है और घर की सामान से। तो हम सारे दिन बस काम ही काम करती रहती हैं, कुछ ना कुछ, कभी साफ़ करना, कभी कुछ। तो मैंने भी अपना ये फ्रिज साफ़ किया है और ये रबड़ भी मैंने जो फ्रिज की साइड में लगी होती है वो भी निकाल दी है, बिल्कुल एकदम डीप क्लीनिंग की इसकी सबसे पहले तो शाम को। और ये रबड़ इस टाइप से बड़े आसानी से निकल जाती है। और उसके बाद ये सारा मैंने वॉश करके, और ये जो हमारी इसमें जो बास्केट वगैरह होती है वो भी हमने सब मैंने निकाल के साफ़ कर दिया, और ये रबड़ जो है मैं फिर से लगा रही हूँ। तो ये बड़ी आसानी से निकल जाती है और हम इसको अगर वॉश करते रहते हैं बीच बीच में तो इससे हमारा फ्रिज जो है वो हाइजीनिक रहता है। और इसका क्या किया है ना, मैंने जो ये बास्केट थी तो वो मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लगती थी एक जगह, तो ये फ्रिज के सबसे नीचे होती है तो जैसे कुछ ना कुछ फ्रिज में से जो निकालते हैं या कुछ भी गिर जाता है, तो मैंने इसको अलग अलग कर दिया है दोनों पार्ट को। तो देखिए एक बास्केट मुझे मिल गई है बढ़िया। तो इसको फ्रिज में लगाते थे तो गंदी ज़रूर हो ही जाती थी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गिर जाता है। तो अब मैं इसको कहीं ना कहीं यूज़ कर सकती हूँ। तो फ्रिज तो हो गया है मेरा क्लीन। तो उसके बाद हम करेंगे एक रेसिपी की तैयारी। तो उसके लिए मैंने ये बथुआ जो होता है वो उबाल ली हूँ मैं, और मॉर्निंग में जो है वो बथुआ मैंने रात ही उबाल दिया था। तो पूजा वगैरह करने के बाद ये मैंने बनाए हैं, उसके पतोड़े होते हैं बेसन और बथुए के। तो आज हम देखते हैं कैसे बनाए हैं मैंने ये। तो हमारी तरफ जो है वो बहुत ही चलते हैं ये, मेरी मम्मी बहुत बनाती थी और हमारी फैमिली में सभी को बहुत ही पसंद थे ये पहले से ही। तो उसके लिए क्या है ना, जो ये हमारे बथुआ उबाला था रात में हमने, तो उसको मैंने अब ये ठंडा हो गया है सुबह को बिल्कुल, तो इसे थोड़ा सा निचोड़ लेंगे पानी जो है इसका। तो इसे अच्छे से निचोड़ देंगे जितना भी पानी है इसका। तो उसके बाद जो है ये जो बेसन थोड़ा सा मिला लेंगे इसमें, जितना हमारा बथुआ है उसी के अकॉर्डिंग हाफ में हम ये मिला लेंगे। जितना भी हमने बथुआ डाला है उतना ही हमने बेसन डालना है, और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, नमक डाल दिया और हींग डाल दिया, थोड़ी सी मिर्ची इसमें मिलानी है, और फिर इसे आटे की तरह बिल्कुल हम गूंद लेंगे जैसे आटा मलते हैं हम। तो थोड़ा सा पानी हम डाल सकते हैं अगर ये ज़्यादा हमें टाइट लग रहा है तो, और थोड़ा सा तेल लगा देंगे जिससे ये चिपकेगा नहीं। तो उसके बाद हमें ये इस टाइप से रोल करके जितने भी हमारे रोल बनेंगे रोल बना देंगे। फिर लेंगे एक कुकर में थोड़ा सा पानी, और ये एक छन्नी है जो पूरी पलटने वाला जो करछी होती है वो मेरी टूट गई थी तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इसकी जगह हम या तो कोई स्टिक्स रख सकते हैं लकड़ी की, या फिर चम्मच रख सकते हैं। तो उसके बाद इसमें बहुत हल्का सा हमने पानी डाला है, और फिर ये डाल देंगे जो हमने बनाए हैं। तो इसमें सीटी नहीं लगानी है, बस हमें ढक्कन जो है इसी टाइप से लगा देंगे, बस बिना रबड़ के। रबड़ हमें लगानी नहीं है, जो हमारी इसकी रबड़ होती है ढक्कन की कुकर के। तो इस टाइप से ये हल्के ऐसे पानी में स्टीम में ये बन जाते हैं, और इसके बाद इसे कट कर लेना है। तो कभी कभी लेडीज़ को अपनी पसंद की भी चीज़ बनानी चाहिए, सबकी सोचती है, बच्चों की और पति की, घर वालों की, सबकी सोचती है, बस अपनी सिवा अपनी कम सोचती हैं लेडीज़। लेकिन कभी कभी अपनी भी सोचनी चाहिए, जो हमें पसंद है वो हमें बनाना चाहिए। तो अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। तो थोड़ा सा तेल या घी में इसको फ्राई करते हैं। हल्का सा मैंने तेल लिया है, और उसमें जीरा डाल दिया है, और लाल मिर्च हम डाल सकते हैं। उसके बाद इन्हें अच्छे से फ्राई करना है। और फिर थोड़ी सी मिर्च वगैरह कुछ मसाला डाल सकते हैं।
तो ये हम अपने लिए जब बनाते हैं खाली कि अब हमें अब बच्चे स्कूल गए हैं और हस्बैंड ऑफिस गए हैं, तो आराम से शांति से चाय पीते हैं और अपनी पसंद का नाश्ता करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए कि हमें सिर्फ अपनी पसंद की चीज़ें बनानी चाहिए। तो मेरे ये फ्राई हो गए हैं, इनको थोड़ी सी देर अच्छे से फ्राई करके थोड़े, तो अब अपने फेवरेट म्यूजिक के साथ हम करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। और तो वो जैसे देख फ्रूट तो हम सिंपल से काट ही लेते हैं ऐसे, जो सिंपल कटते हैं वैसे ही, लेकिन जो चीकू है या फिर कोई भी फ्रूट हो, और भी कोई फ्रूट हो, तो वो भी हम इसको इतने स्टाइल से काट सकते हैं। तो ये मिठाई है या फिर चीकू है, तो इसका मैं बढ़िया अच्छा सा फ्लावर बना के दिखाती हूँ कैसे मैं बनाती हूँ फ्लावर। तो सबसे पहले इसको छील लेना है। तो ये मैंने छील लिया है पूरा, जो इसका छिलका होता है वो छील लिया है। तो उसके बाद क्या लेना है, नाइफ, और इसको इस टाइप से थोड़ा सा तिरछा करके हमें कट करना है बीच में से, बिल्कुल सेंटर से, और इस टाइप से ऐसे काटते रहेंगे। फ्रूट जो है वो इस टाइप से काट सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन होते हैं जो हम फ्रूट में कट कर सकते हैं, जैसे सैलेड काटते हैं या फिर हम फ्रूट कट करके देते हैं किसी को, तो अच्छे से काट के देंगे तो अच्छा सा जरा लगता है। तो देखिए कितना सुंदर ये फूल बन जाता है, कितना सुंदर लगता है। इसके जो बीज है वो हटा देते हैं। इससे क्या होगा ना, जिससे देखने में भी ये बड़े सुंदर से लगेंगे, कट करके हम देंगे तो हमारे जैसे देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये। तो इस टाइप से हम अगर जो सिंपल से हैं तो हम काट ही लेते हैं फ्रूट, तो अच्छे से काट के रखते हैं किसी के सामने, तो उसे भी लगता है कि हाँ हमें कितना इसने रेस्पेक्ट दिया है कि हमारे लिए इतना टाइम लगाया है। तो जैसे मेरी जब शादी भी नहीं हुई थी तब मेरे जीजा जी वगैरह या कोई भी रिलेटिव आता था तो मैं बड़े अच्छे से जो है उन्हें ये सब करती थी। तो मेरी मम्मी को भी बड़ा शौक था इन सब चीज़ों का, तो मम्मी से ही सब कुछ सीखती हैं बेटियाँ। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं हैं, तो आने वाला जो है वो भी खुश रहता है कि हाँ हमें बहुत इसने सम्मान दिया है। तो इसी टाइप से और भी फ्रूट्स मैं कट करती हूँ, तो कभी ना कभी शेयर करूँगी आपके साथ सैलेड वगैरह और जो फ्रूट वगैरह मैं कट करती हूँ। तो अगर आपने अब तक मेरी ये DIY आइटम्स नहीं देखे हैं किचन को सजाने के लिए, जीरो कॉस्ट बिल्कुल इसमें खर्च हुई है, तो अगर किचन को सजाना चाहते हैं वो भी बिना पैसा खर्च किए, तो एक बार ज़रूर देखना ये वीडियो और लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।